हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लो समझ लो में। मैं प्रदीप कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, ये हमारा पीए थर्ड ईयर का जो ज्योग्राफी का सीरीज चल रहा था उसका ये तीसरा पार्ट वीडियो है। दो पार्ट वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, या आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से दोनों वीडियो देख लीजिए। और मैं बता दूं कि अगर इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है पीडीएफ का, उस पर टच कीजिए, वहाँ से आप आसानी से पीडीएफ डाउनलोड कर सकेंगे, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से पीडीएफ आप आसानी से डाउनलोड कर सकेंगे। तो चलिए, टाइम बहुत कम बचा हुआ है इसलिए हम ज़्यादा कुछ नहीं बताएंगे, चलिए हम आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर एक है हमारा, किसकी अवधारणा है कि मानव समुदाय को समझने का तरीका स्थान कार लोक समुदाय है। चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, लीपले, पैट्रिक गेट्स, हर्बर्टसन, फ्लूअर। देखिए, जो राइट आंसर हो जाएगा पैट्रिक गेट्स, तो बी आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियो में हम टोटल 50-50 क्वेश्चन लेते थे प्रत्येक वीडियो में, लेकिन वो वीडियो बहुत लंबा हो जाता था। कुछ छात्र कह रहे थे सर थोड़ा क्वेश्चन कम लीजिए ताकि हमको देखने में आसानी हो, और इतनी देर तक हम वीडियो देख नहीं पाते हैं, मेरा आँख दर्द करने लगता है, तो इसलिए हम प्रत्येक पार्ट में अब 20 क्वेश्चन ले रहे हैं। ओके, ये सभी आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और 16 जुलाई से आपका एग्जाम होना है, आपको पता ही है, हमने टाइम टेबल हमारे अतुल सर ने अपलोड कर दिया है, उससे आपको जानकारी मिल ही गई है कि 16 जुलाई से आपका एग्ज़ाम है। तो आप मंथन से आप लग जाइए, टाइम बहुत कम बचा हुआ है, लगभग 15 दिन आपके पास शेष बचे हुए हैं, तो जितना हो सके आप इसको रिवाइज करिए, एक बार, दो बार, तीन बार वीडियो को देखिए। ओके, जैसे जैसे आपको टाइम मिलता है, तो दो तीन बार देखने से क्या होगा कि वो सारे क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम बता रहे हैं वो सभी रट जाएंगे। ओके, तो चलिए दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दो हमारा, मात्रात्मक क्रांति नाम किसने दिया। देखिए, चार ऑप्शन आपके सामने हैं, बर्टन, उलमैन, ओमैन, हार्टसोन। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बर्टन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर तीन है जो हमारा, नगर और निकटवर्ती क्षेत्र के मध्य कार्यात्मक संबंध माना जाता है। प्रभाव क्षेत्र, महानगर, जुड़वा नगर, इनमें से कोई नहीं। देखिए, जो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रभाव क्षेत्र आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ओके, चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर चार। प्रश्न नंबर चार हमारा कह रहा है, कंपेज किस प्रकार का प्रदेश है। एक आकृत, बहु आकृत, समग्र आकृत, कार्यात्मक आकृत। जो आपका राइट आंसर हो जाएगा कार्यात्मक आकृत आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंपेज किस प्रकार का प्रदेश है, कार्यात्मक आकृत, तो डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर पाँच। प्रश्न नंबर पाँच कह रहा है हमारा, रेटिकल ज्योग्राफी नाम किसने दिया। रेटिकल ज्योग्राफी नाम किसने दिया, चार ऑप्शन है आपके सामने, क्लार्क, स्टीवर्ट, एच सी प्रिंस, डी एम मिथ। जो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी एम मिथ आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी यानी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसे याद करेंगे, रेडिकल, इसमें भी डी आ रहा है और इसमें भी डी आ रहा है, तो इससे मिलान करके हम आंसर टिक कर सकेंगे। ओके, जो क्वेश्चन नहीं हमको याद होते हैं उनमें से कुछ ना कुछ रिलेटेड कर लेते हैं, मिलान कर लेते हैं, और हमको सिर्फ ऑप्शन ही तो रहेगा वहाँ एग्जाम में, ऑप्शन देखते ही हमको याद आ जाएगा, कुछ मिलान कर रहेंगे, किसी तरीके से याद करेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। ओके, तो इसमें रेडिकल ज्योग्राफी है ना, डी है, और इसमें भी डी है, तो इससे क्या होगा कि हमको आसानी से याद हो जाएगा, जैसे ही एग्ज़ाम में आएगा रेडिकल ज्योग्राफी नाम किसने दिया तो तुरंत हम ऑप्शन देखकर बता देंगे डी एम मिथ, तो डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर छः। क्वेश्चन नंबर छः हमारा कह रहा है, किसके अनुसार प्रतिरूप सुदृढ़ विचार का प्रतिरूप एक सिद्धांत या नियम या परिकल्पना है। डेविड हार्वे, चोले एवं हैगेट, एल डी स्टैम्प, स्टीवर्ट। जो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा चोले एवं हैगेट बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा सी हो जाएगा, और अगला प्रश्न हमारा सात नंबर। सात नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत तार्किक प्रत्यक्षवाद से संबंधित नहीं है।
चार ऑप्शन आपके सामने है, कार्य कारण का सिद्धांत, संरचनावाद का सिद्धांत, व्यवहारवाद का सिद्धांत, प्रकारवाद। देखिए जो आपका राइट आंसर हो जाएगा व्यवहारवाद, क्या हो जाएगा व्यवहारवाद, यानी सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा व्यवहारवाद। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर आठ। प्रश्न नंबर आठ हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रात्मक क्रांति का दार्शनिक आधार है? प्रत्यक्षवाद, अस्तित्ववाद, आदर्शवाद और संप्रभुतावाद। करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रत्यक्षवाद, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो छात्र अभी वीडियो को लाइक नहीं किए हैं प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस जरूर करना, इससे क्या होगा कि हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलता रहेगा और आप वीडियो को आसानी से देख सकेंगे। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा, स्थानिक संगठन की अवधारणाएं मुख्यतः निम्नलिखित से प्रेरणा लेती हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ऑप्शन चार हैं, संभववाद, प्रकारात्मकता, संरचनात्मकता, व्यवहारिकता। देखिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा संरचनात्मकता, सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10 है। प्रश्न नंबर 10 हमारा, सामाजिक प्रक्रियाएं स्थानीय संगठन की व्याख्या करती हैं, यह कथन किसके संदर्भ में है? चार ऑप्शन आपके सामने है, मानवतावाद, मार्क्सवाद, प्रत्यक्षवाद और व्यवहारवाद। देखिए जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मार्क्सवाद, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सामाजिक प्रक्रियाएं जो स्थानीय संगठन व्याख्या करती हैं वो मार्क्सवाद के सिद्धांत पर कार्य करते हैं, यानी बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि द्वैत का अर्थ है, जैसे द्वैतवाद अभी हमने बताया ना, तो वही पूछा जा रहा है कि द्वैत का अर्थ है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, किसी विषय के बारे में दो प्रकार के विचार, दो विचारों के मध्य टकराव, किसी विषय के संबंध में दो प्रकार के विचार एवं उनके मध्य टकराव, दो विचारों का शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। देखिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, किसी विषय के संबंध में दो प्रकार के विचार एवं उनके मध्य जो टकराव होते हैं उसे द्वैतवाद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्वैतवाद, यानी किसी विषय के विषय में विचार देना और उनके मध्य, उन विचारों के मध्य जो टकराव होता है, जो भिन्नता की भावना उत्पन्न होती है, उसे क्या कहा जाता है? द्वैतवाद। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है हमारा, भूगोल में द्वैतवाद का सूत्रपात हुआ था 16वीं शताब्दी में, 17वीं सदी में, 18वीं सदी में और 19वीं सदी में। करेक्ट आंसर हो जाएगा 17वीं शताब्दी में। कब? 17वीं शताब्दी में हुआ था। किसका? भूगोल में द्वैतवाद का सूत्रपात, यानी बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपके एग्जाम से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसको याद रखिएगा। चलिए हम प्रश्न नंबर देखते हैं 13। सामान्य भूगोल किसकी रचना है? सामान्य भूगोल किसकी रचना है? वन हार्ड वारेनियस, यानी ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14। 14 नंबर प्रश्न कह रहा, भूगोल में द्वैतवाद की शुरुआत किस रचना के प्रकाशन के बाद हुआ? सामान्य भूगोल, भूगोल के प्रकृति, भौगोलिक अध्ययन, कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सामान्य भूगोल आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जनरल जियोग्राफी, यानी ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, 1850, 1950, 1650 और 1691। देखिए जो राइट आंसर हो जाएगा 1650 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 16। 16 नंबर प्रश्न कह रहा है, किसने भूगोल को समान तथा विशिष्ट दो प्रकार में विभाजित किया? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, वारेनियस, कार्ल रिटर, कार्ल सोक, टिमोथी। देखिए जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वारेनियस, वारेनियस बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो छात्र अभी वीडियो को लाइक नहीं किए प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, क्षेत्रीय विभिन्नता की संकल्पना की विस्तृत व्याख्या का श्रेय किसे जाता है? कार्ल सोर, हिटनर, हार्टसोर्न, हेगेट। देखिए जो आपका राइट आंसर हो जाएगा कार्ल सोर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18।
18 नंबर प्रश्न कह रहा है भूदृश्यों की आकारिकी के लेखक हैं, भूदृश्यों की आकारिकी के लेखक हैं हिटनर, हेगेट, कार्ल सौर, विचार्ड। देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्ल सौर। क्या हो जाएगा? कार्ल सौर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19 नंबर प्रश्न कह रहा है द नेचर ऑफ जियोग्राफी किसकी पुस्तक है, इंपॉर्टेंट पुस्तक है। देखिए हम मैं बता दूं कि अभी हम एक वीडियो आपको अपलोड करेंगे इस चैनल पर जिसमें आपके फर्स्ट पेपर के जियोग्राफी फर्स्ट पेपर बीए थर्ड ईयर वालों के लिए इनमें से जो भी बुक एवं आर्थर हैं फर्स्ट पेपर के उन सभी बुक एवं आर्थर को एक वीडियो में कलेक्ट करेंगे। इससे क्या होगा कि बुक एवं आर्थर से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमेशा पूछे जाते हैं दो या तीन क्वेश्चन, तो आपको याद करने में आसानी होगा और एक ही वीडियो में सभी बुक एवं आर्थर मिल जाएंगे तो इससे आपको याद करने में बहुत ही आसानी हो जाएगा। ये वीडियो हम ज़्यादा से ज़्यादा एक या दो दिन में अपलोड कर देंगे, तो अभी आप लोग इसका रिवीजन करते रहिए, वो वीडियो जल्द ही आने वाला है। ओके, चार ऑप्शन आपके सामने दिए हैं हार्ट सोन, रिचार्ड, हेगेट, विचार्ड। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हार्ट सोन, यानी ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए हम प्रत्येक वीडियो में हम 50 क्वेश्चन लेते थे और वो वीडियो बहुत अधिक समय के हो जाते थे, लगभग आधा घंटे से ऊपर हो जाते थे, इसलिए हमने सोचा और छात्रों का भी कहना था सर थोड़ा वीडियो कम समय का बनाइए और कम क्वेश्चन लीजिए, इससे मुझे आसानी रहेगी पढ़ने में, तो इसलिए मैं प्रत्येक पार्ट में आप 20 क्वेश्चन ले रहा हूँ, वे सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है द पर्सपेक्टिव ऑन द नेचर ओजी जियोग्राफी के लेखक हैं हिटनर, कार्ल सौर, हार्ट सोन, जी एफ ग्रीन। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हार्ट सोन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, हार्ट सोन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, अगर लाइक नहीं किया तो लाइक करके जाना और अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।